हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बोलूँगी जो कि एक बहुत थ्रिलर और इमोशनल मूवी है, और इसके स्टोरी सुन के आप लोगों को वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। तो मूवी का नाम है द लवली बोन्स, जो कि साल 2009 में आया था। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची सूजी सलमान और उसके पापा जैक के साथ, जहाँ पर वो बच्ची खेल रही होती है। और फिर हम 12 ईयर्स के बाद 14 साल की सूजी को देखते हैं, जो अपने मम्मी पापा एक बहन और एक छोटे से भाई के साथ रहती है। सूजी को फ़ोटो खींचने की बहुत शौक था और वो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती थी, पर वो तभी के लिए अपने आसपास के सभी लोगों के फ़ोटोज़ खींचती रहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी अपने आप के बारे में बताती रहती है और अपने बचपन के एक याद के बारे में बोलती है, जिसपे वो एक खंडर के बारे में बोलती है जहाँ पर वहाँ के रहने वाले सभी अपने पुराने चीज़ों को फेंक देते थे। और उसी जगह के नज़दीक एक घर पे एक अजीब लड़की रहती थी जिसका नाम था रुथ कॉर्नर, और वो किसी भी सुपरनेचुरल चीज़ को महसूस कर सकती थी, जो कि किसी भी आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल था। फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि सूजी के छोटे भाई के गले में कुछ फंस गया था और उसका सांस अचानक से बंद हो जा रहा था। और तभी सूजी बहुत हिम्मत करके अपने गैराज में से गाड़ी लेकर बहुत रिस्क लेके चलाते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वो बच जाते हैं। और तब सबकी आंखों में खुशी देखते हुए वो बहुत खुश हो जाती है। तब उसकी ग्रैंडमा ने उसको बताती है कि किसी का लाइफ बचाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो उसे बोलती है कि वो बहुत लंबी उम्र तक जिएगी और बहुत खुश रहेगी। पर ये बात असल में उस पर सच नहीं होती, क्योंकि तभी वो अपने प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बोलती है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि उसकी 8 दिसंबर 1973 में डेथ हो चुकी थी, और वो अब उनके बारे में ही हम लोगों को बताती रहती है। फिर हम सूजी के पास्ट के बारे में देखते रहते हैं, जहाँ एक मॉल में सूजी को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो अपने ग्रैंड मॉम को एक लड़की को दिखाकर कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसकी स्कूल के सीनियर है और उसका नाम है रे। और इन सब में उसे पता नहीं चलता कि उसके ही घर के पास रहते हुए एक आदमी उसे बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, और उसका नाम था जॉर्ज हार्वे, जो कि उसी के पास वाले हाउस में अकेले रहते थे। और एक दिन वो आदमी से उसकी मम्मी और डैडी बात करती रहती है और उसी की गार्डन से एक फूल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सूजी साइकिल चलाती हुई उस मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी अपने कैमरे में। और फिर हम हार्वे को अपने घर में कुछ अजीब काम करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम सूजी को अपने डैड के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी डैड जैक एक शीशे की बोतल में शिप बनाते हुए नज़र आते हैं। और ये बनाना जैक का पैशन था। वो ऐसे बहुत सारे शिप बना के रखते थे, और यहाँ पर वो सूजी को बोलते हैं कि किसी का पैशन और हॉबी उसे उस काम में तब तक जोड़ कर रखते हैं जब तक उसका वो काम पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और ये बात सूजी से भी रिलेट करता था, क्योंकि वो भी खूबसूरत चीज़ों को और अपने फैमिली के खूबसूरत रिश्ते को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी और कैमरे में खींचती रहती थी। और इसके बाद उसी रात को हम हार्वे को एक सूखी हुई कॉर्नफील्ड पे कुछ करते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर असल में सूजी को मारने के लिए प्लान बना रहा था। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने पास रहते हुए सभी कैमरा रोल से फ़ोटो खींच के सब ख़त्म कर चुकी थी, और अब वो उन सभी फ़ोटोज़ का प्रिंट करवाना चाहती थी। तभी उसके फादर जैक ने कहा कि वो लोग हर महीने में एक कैमरा रोल के फ़ोटोज़ को प्रिंट करवाएंगे। और फिर वो जब अपने स्कूल के लिए निकलते हैं, तभी उसकी मदर ने उसे उसकी बनाई हुई एक हैट देती है, जो वो ना चाहते हुए भी पहन लेती है। और तभी हम जॉर्ज हार्वे को उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। फिर स्कूल में जाने के बाद सूजी को हम एक फ्रेंड के साथ बात करते हुए देखते हैं, और फिर वो चले जाने के बाद वहाँ पर रे आके उससे बात करते हैं, और तभी उससे कुछ बुक्स गिर जाती है, और रे उसको मदद करते हुए उसकी एक बुक में उसके लिए एक लेटर रख देता है। और फिर वो आने वाले सैटरडे को सूजी को मॉल में मिलने के लिए बोलता है और उसको बहुत खूबसूरत भी कहता है, और सूजी इन सब में बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को स्कूल ख़त्म होने पर वो घर के लिए निकलती है, पर वो कभी कभी एक शॉर्टकट लेकर वही सूखे से कॉर्नफील्ड के ऊपर से अपने घर आती थी, और उस दिन भी वो वहाँ से ही गुजर रही थी। तभी अचानक से उसके हाथ से रे का दिया हुआ वो लेटर गिर जाता है, और तभी हम हार्वे को उसी खेत में देखते हैं, और वो भी उस लेटर को पकड़ने वाले होते हैं पर पकड़ नहीं पाते।
तभी वो पहली बार सूजी से बात करता है और उसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है। और सूजी, जो कि 14 ईयर्स की एक इमोशनल और इमैच्योर लड़की थी, वो उसके बनाए हुए वो इंटरेस्टिंग चीज़ को देखने के लिए उसके साथ उस खेत के नीचे हार्डवे के बनाए हुए उस इंटरेस्टिंग जगह पे चले जाती है। कुछ देर बाद ही उसकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है और उसे वो जगह और हार्डवे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से चले जाने की ज़िद करती है। पर तभी उसकी मासूमियत की फ़ायदा उठाकर हार्वे उसे पकड़कर उस पर बहुत ज़्यादती करते हैं और अपने प्लान के मुताबिक उसे वहाँ बेरहमी से मार के एक सिंदूक में भरकर अपने घर पर ले आके रख देते हैं। उसकी फैमिली तब डिनर कर रहे थे, पर बहुत देर होने पर भी उसे घर ना आते हुए देख के सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और पुलिस में कॉल करते हैं और जैक उसकी एक फ़ोटो लेकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तब हम सूजी को बहुत ज़ोरों से दौड़ते हुए आते देखते हैं और तभी रास्ते पर रुथ कॉर्नर को रे के भेजी हुई वो चिट्ठी मिलती है और तब वो दौड़ती हुई सूजी से टकराती है और उसे देखकर तब रुथ कॉर्नर समझ जाती है कि ये असल में सूजी की सोल है, क्योंकि तब सूजी मर चुकी थी पर सूजी को ये बात तब नहीं पता था। इसके बाद सूजी रास्ते पर अपने पापा को उसकी फ़ोटो लेकर ढूंढते हुए देख के उसको पुकारते हैं पर उसकी आवाज़ उन पर नहीं पहुंचती और फिर अपने घर जाके वो समझती है कि कोई उसे देख नहीं पा रहा है और ना कि सुन पा रहा है और तब वो सिर्फ उन लोगों को महसूस कर सकती थी और तभी सूजी को रियलाइज़ हुआ कि वो तब मर चुकी थी। फिर वो उसी घर के एक रूम के तरफ जाती है और देखती है कि हार्वे बाथटब पे अपने आप को धोता रहता है और चारों तरफ वहाँ सूजी का खून था और उसकी एक ब्रेसलेट को भी हम वहाँ देखते हैं और सूजी का सोल ये सब देख के चिल्लाने लगती है। फिर अगले दिन उसी सूखी हुई खेत पे पुलिस को सूजी का वो हैट मिलता है। वो पुलिस ऑफिसर तब सूजी के पेरेंट्स को दिखाते हैं। फिर अगले दिन वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हार्वे के घर पर आते हैं, पर तब हार्वे घर पर सब सबूत मिटा रहा था और तुरंत वो सब कुछ साफ करके वो पुलिस वाले को अंदर बुलाकर उनसे बात करता है और तभी उनके टेबल के ऊपर सूजी का वो ब्रेसलेट हम लोगों को दिखने को मिलता है और वो पुलिस भी तब हार्वे को सूजी का एक ऐसा फ़ोटो दिखाता है जहाँ पर सूजी वो ब्रेसलेट पहनी हुई थी, पर तब हार्वे ने बहुत चालाकी से वो ब्रेसलेट पुलिस से छुपा लेता है। अगले सीन में हम सूजी को एक ऐसी जगह पे देखते हैं जो कि ना आर्थ था और ना कि हेवन था, क्योंकि तब सूजी हेवन पर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि तभी वो अपने फैमिली से और उनकी यादों से बाहर आना नहीं चाह रही थी और उसे तब अपने फैमिली को उसकी खूनी के बारे में बोलना था और तब उसकी बॉडी को भी हार्वे ने अपने घर पर रखा था और इसीलिए उसकी सोल आज़ाद भी नहीं हो पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि रुथ कॉर्नर रे से एक मॉल में मिलकर उसे वो चिट्ठी देती है और बोलती है कि वो सूजी की आत्मा को फील कर सकती है और बोलती है कि सूजी उन लोगों को देख रही है और असल में ही सूजी अपने वो जगह से ये सब कुछ देख रही थी और तभी वहाँ पर एक सोल आके सूजी को अपने पुराने यादों से आज़ाद होकर हेवन में जाने के लिए बोलती है। पर सूजी तभी भी सोच रही थी कि उसे घर जाना है और फिर हम जैक को वो सारी बोतल तोड़ते हुए देखते हैं जो कि वो सूजी के साथ बनाते थे और ये सब सूजी भी महसूस कर रही थी। फिर जैक एक बोतल के ऊपर एक कैंडल जलाती है और उनको वो जब उसके विंडो के सामने रखता है तभी सूजी उसके पापा को कुछ संदेश देने की कोशिश करती है कि वो उसे देख पा रही है और किसी तरह जैक भी ऐसा ही कुछ फील कर रहा था और ये देख के सूजी बहुत खुश हो गई। फिर सूजी के छोटे भाई जैक के पास आके बोलता है कि सूजी उसके पास आके उसे किस किए हैं और जैक बोलते हैं कि हाँ, वो अभी भी उन लोगों के साथ ही है। इसके बाद जैक अपनी बेटी की कातिल को ढूंढने की कोशिश पर लग जाते हैं और एनालिसिस करते रहते हैं क्योंकि तब तक पुलिस हाल छोड़ दिया था और सबसे पहले जैक अब सूजी की वो कैमरे के फ़ोटोज़ को प्रिंट करवाने लगता है, पर तब तक 11 मंथ्स हो चुका था और सूजी की मदर अभी इन सब से बाहर आना चाहती थी और तभी जैक ने सूजी की ग्रैंड मॉम को वहाँ रहने के लिए बुलाता है और वो घर पर आके उसकी कुछ अजीब बिहेवियर करने लगती है और पूरे घर को तहस नहस करके रख देती है क्योंकि वो बहुत अजीब थी और अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीती थी। फिर एक दिन सूजी की बहन यानी कि लिंडसे का नज़र हार्वे के घर पर जाती है और उसके साथ रहते हुए उसके पेट डॉग हार्वे को देख कर बहुत भौंकती है और लिंडसे हार्वे को शक के नज़र से देखना स्टार्ट करती है। तभी हार्वे उससे पहली बार बात करता है और लिंडसे अब
हार्वे की नजर में आ जाती है। फिर हम सूजी को फिर से उस घर के सामने सूखे हुए खेत पर देखते हैं और वो सब कुछ देख रही थी और अपने मर्डरर के पकड़ जाने का वेट करती रहती है। और फिर वो देखती है कि अब हार्वे उस कॉर्नफील्ड में सूजी की स्कूल की वो दोस्त को मारने की प्लान बना रहा था। अगले सुबह हम सूजी की मादर को वहाँ से चले जाते देखते हैं। वो एक जॉब लेकर वहाँ से दूर चली जाती है ताकि वो कुछ दिन इस माहौल से दूर रह सके और जैक के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है। वो वहाँ पूरा दिन काम करके अपने आप को बिजी रखती थी। ये सब कुछ सूजी देखती रहती है और फिर बहुत दिन गुजर जाते हैं और वो अब अपने बहन को एक लड़की के साथ इंगेज होते देखती है और इससे वो बहुत खुश भी होती है और ये बात वो अपने साथ रहते हुए उस दोस्त को भी बताती है। फिर हम फिर से हार्वे को सूजी की बहन लिंडसे के ऊपर नज़र रखते हुए देखते हैं और वो अब उनके ऊपर सभी जानकारी हासिल कर लिया था और तब उनको भी पता था कि लिंडसे भी उन पर नज़र रख रही थी और उन पर कुछ शक कर रही थी। और फिर वो फिर से उसे मारने के लिए कुछ तरकीबें सोचता है और उसी डायरी लेकर कुछ अजीब स्केच बनाता है और फिर उसके गार्डन में हम उसे बहुत सारे लकड़ियों के साथ कुछ बनाते हुए देखते हैं। इसके बाद जैक सूजी के आखिरी कैमरे के फोटोज़ को प्रिंट करवाते हैं और तब उसको वो सब फोटो दिखने को मिलता है जो सूजी ने उस दिन खींची थी जिस दिन जैक और उसके पत्नी हार्वे के गार्डन के सामने उससे बात कर रहे थे। फिर ऑफिस से आते वक्त वो हार्वे के घर के सामने जाता है और उस गार्डन की एक फूल को तोड़ते हैं और किसी तरह तभी उस मुरझे हुए फूल को फिर से ताज़ा बनाकर जैक को हेलुसिनेट करके सूजी उसे कुछ संदेश देने की कोशिश करती है और हार्वे से कुछ बात करने पर जैक को किसी तरह उन पर शक होता है और वो उन पर अटैक करने वाला होता है। अगले दिन पुलिस जैक के घर पे आके बोलता है कि ऐसे ही किसी पर वो बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और उसी रात जैक एक स्टैम्प लेके हार्वे को मारने जाता है क्योंकि तब उसको हार्वे के ऊपर शक हो गया था और तभी हार्वे उसी कॉर्नफील्ड में जाने लगे क्योंकि तब वो सूजी की उस स्कूल फ्रेंड को अपना अगला शिकार बनाना चाहता था और तब जैक भी उसका पीछा करता है। तभी कुछ गलतफहमी हो जाता है और सूजी की बॉयफ्रेंड ने जैक पर ही हमला कर देता है और हार्वे बच जाते हैं। जैक को फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं और वो वहाँ ठीक हो जाता है और ये सब कुछ तब सूजी देख रही होती है। और फिर हम सूजी को उस घर पर फिर से जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो हार्वे ने सिर्फ उसे ही नहीं ऐसी बहुत सारे लोगों को अभी तक मार चुके हैं और वो ऐसा ही एक सीरियल किलर है। सूजी तब वो सबको देख रही थी जहाँ पर 1960 में हार्वे के हाथों से मारे हुए उसका अपना मकान मालकिन था, 1966 में मारे हुए 13 साल की बच्ची जिकी था, 6 साल की एक बच्ची नाला जॉनसन थी, पेंसिल्वेनिया की रहती हुई एक छोटी सी बच्ची थी और लिया फॉक्स नाम की एक लड़की थी और इसी लड़की के सोल से ही वो अब तक बात कर रही थी और इतने सारे मर्डर्स के बाद भी हार्वे आज़ाद घूम रहा था। फिर अगले दिन मॉर्निंग वॉक करते वक्त लिन से मौका देख के हार्वे के घर पर जाके सर्च करती है ताकि उसे ऐसा कुछ मिल जाए जिसे कि ये साबित हो सके कि उसकी बहन सूजी का मर्डर हार्वे ने ही किया है। और जब हार्वे फिर अपने घर पे आ चुके होते हैं तभी लिंडसे को भी वो डायरी मिलती है जहाँ पर हार्वे ने सब कुछ लिखा हुआ था। तुरंत वो उसके उस घर के तरफ जाता है जहाँ पर लिंडसे वो डायरी देख रही थी और उसे सब एविडेंस देखने को मिल गई और तभी लिंडसे बहुत समझदारी से वहाँ से भागकर निकलने में कामयाब हो गई और वो प्रूफ लेकर अपने घर पर आई और उसकी ग्रैंड मॉम को दिखा दी। तभी हार्वे को पता चल चुका था कि पुलिस अब उसे पकड़ने ही वाले हैं और तभी वो अपना कुछ ज़रूरत के सामान लेकर वहाँ से भाग गए और तभी सूजी की मदर भी घर वापस आ चुकी थी। फिर हम हार्वे को उसी गटर में सूजी की बॉडी को फेंकते हुए देखते हैं और अब उन्हें वो करते हुए रुथ कॉर्नर देख लेती है और वो सब कुछ तब फील कर सकती थी। तभी हम सूजी को हेवन के तरफ जाते हुए देखते हैं क्योंकि तब उसकी आत्मा रिलीज होने वाली थी और उसे तब हेवन में रहते हुए वो सभी लोग दिखाई देते हैं। पर तभी वो रुक गए क्योंकि एक लास्ट अधूरा काम तभी भी उसको पूरा करना था और वो तब रुथ कॉर्नर के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि सिर्फ वही उसे महसूस कर सकती थी। और फिर वो रे को पुकारते हैं क्योंकि तब रे रुथ कॉर्नर के साथ ही काम करता था। रे को तब सूजी वहाँ आखिरी बार दिखाई देती है और वो तब उन दोनों का अधूरा प्यार और सूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए
उसे किस करता है। तब सुजी को हार्वे की इंतकाम लेने में और कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो हार्वे का सभी गलत काम करने के लिए उसे सजा देने की जिम्मेदारी गॉड पर छोड़ती है। और फिर जब हार्वे उसकी बॉडी को उस गटर में फेंक देते हैं, तभी उसकी सोल भी आज़ाद हो जाती है। और तब वो अपने सभी को धीरे धीरे ठीक होते देख के खुश होके उन सबकी याद को छोड़कर हेवन में चली जाती है, जहाँ पर उसकी असली जगह था। अगले सीन में हम हार्वे को बहुत दिनों के बाद फिर से एक लड़की को कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए देखते हैं, और उस लड़की को भी वो अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसको कुछ सुना के वहाँ से चली जाती है। और तभी उसके ऊपर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और फिसल कर एक खाई में गिर कर मर जाता है। और फिर लास्ट सीन में हम सुजी की मदर को उसके घर पर आते हुए देखते हैं, और अब हम उसे सुजी के घर को ठीक करते हुए देखते हैं। और इसी के साथ हम सुजी को बोलते हुए सुनते हैं कि वो सबको एक लॉन्ग और हैप्पी लाइफ विश करती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।